में अच्छे मानसून का फायदा इस बार अन्नदाता को मिलने जा रहा है। एक तरफ जहां निर्धारित मानकों से ज्यादा क्षेत्र में बुआई हुई, वहीं अच्छी बारिश बने रहने से कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा बाजरे की बुआई होती है और इस साल करीब 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की बुआई की जा रही है। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के कुल क्षेत्र में बुआई का जो लक्ष्य रखा था उसके मुकाबले विभाग करीब 100% का लक्ष्य हासिल करने जा रहा है। जबकि अगर पिछले साल के बुआई के आंकड़ों से तुलना की जाए तो ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। पिछले साल प्रदेश में 160 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हुई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा अब तक 162.42 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। इस तरह से अच्छी बारिश का फायदा किसानों को मिलने जा रहा है। किसान ज्यादा क्षेत्र में बुआई पूरी कर चुके हैं और अगर बारिश का ये सिलसिला सितंबर मध्य तक जारी रहता है तो फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। किसानों का इस बार खरीफ में खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में 18 जून से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। इस बार सीजन की अब तक करीब 35% ज्यादा बारिश हुई, जिससे 162.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। कृषि विभाग ने 20 लाख किसानों को निःशुल्क बीज वितरित किए हैं। अब कृषि विभाग को कुल खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है। राज्य में जून से लेकर अब तक जो हमारा रेनफॉल है वो एवरेज से लगभग 35% ज़्यादा रहा है और इसकी वजह से हमारा पूरे राजस्थान में जो हमारा सोइंग एक्सपेक्टेशंस था पिछले साल जो लगभग 160 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी उसकी तुलना में इस बार लगभग 2 लाख से अधिक हेक्टेयर एरिया इस बार बढ़ेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे इनपुट चाहे फर्टिलाइजर है चाहे सीड है इनकी राज्य में पर्याप्त उपलब्धता रही है। सीड भी लगभग 20 लाख किसानों को हमने सीड मिनी किट बांटे जिसमें मक्का बाजरा मूंग उड़द सोयाबीन वगैरह रहे। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया और DAP उपलब्ध है। यूरिया पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। DAP की जरूरत अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह से रबी फसलों के बीच पड़ेगी। पिछले साल खरीफ में 7.69 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई। पिछले साल खरीफ में 2.85 लाख मीट्रिक टन DAP की खपत हुई थी। इस साल खरीफ में यूरिया की कुल मांग 8.50 लाख मीट्रिक टन थी। इसके विपरीत करीब 9 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हो चुकी है। DAP की 4.40 लाख मीट्रिक टन मांग के विरुद्ध करीब 4 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई। खरीफ में विभाग के विशेष प्रयासों से जो है यूरिया और DAP की जो है वो पर्याप्त उपलब्धता रही, कहीं किसी जिले में इश्यूज नहीं आए हैं। पर हमारा प्रयास है कि आगामी रबी के लिए भी हम लोग जो है यूरिया और DAP की पर्याप्त उपलब्धता रखें। इसलिए ऑलरेडी हमने भारत सरकार से जो हमारी डिमांड है उसके अनुसार लगभग 13 लाख टन यूरिया और 3 लाख टन जो DAP की जो डिमांड है उसको ऑलरेडी हमने अप्रूव करा दिया है और उसकी मंथ वाइज डिमांड है वो हमने सबमिट कर ली और उसके अनुसार जो है सप्लाई भी जारी है। कृषि विभाग ने रबी सीजन के लिए भी यूरिया और DAP की कवायद तेज कर दी। केंद्र सरकार को 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 3 लाख मीट्रिक टन DAP की डिमांड भेज दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सहमति भी भेज दी है। कृषि विभाग का दावा है कि इस बार रबी सीजन में DAP और यूरिया की कमी आने नहीं दी जाएगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।